अब स्टार्ट करेंगे हम मकदम अंपायर, और मकदम अंपायर में जो आएगी पहले हरनाइका डायनेस्टी आएगी। इसमें जो इसके फाउंडर जो आए उनका नाम था भीम बिसार, और इनका टाइम पीरियड जो था 544 BC टू 492 BC था। अब इनके टाइम पीरियड में जो इनकी कैपिटल थी क्या थी? राजगृहा। इन्होंने जो था विलिंग वन था वो डोनेट कर दिया था किसके प्रचार के लिए? बौद्धिज्म के प्रचार के लिए। दूसरा ये कंटेम्पररी वो बुद्धा थे, मतलब ये बुद्धा के समकालीन थे। दूसरा जो महात्मा बुद्ध के जो जिस एरिया में महात्मा बुद्ध की डेथ हुई थी कुशीनगर में, इसलिए अंपायर जो था ज़्यादा फेमस था जो डायनेस्टी आई हरनाइका डायनेस्टी। अब इसके बाद हुआ ऐसा कि इनका एक बेटा था जिसका नाम था जात शत्रु। जब अजात शत्रु की बात की जाए तो इसका टाइम पीरियड था 492 BC टू 460 BC। अब जी अजात शत्रु राजा बन गया। जब अजात शत्रु राजा बना तो इसने राजा बनने के लिए क्या किया? सबसे पहले अपने पिता को मार दिया। जब इसने अपने पिता को मार दिया तो उसके बाद राजा बने, और इन्होंने आते ही पहला जो काम किया क्या किया इन्होंने, जो बुद्धिज्म की जो थी फर्स्ट काउंसिल इनके टाइम पीरियड पे हुई थी, कब हुई थी? 483 BC में। अब इसके बाद इनका भी एक बेटा था जिसका नाम था उदयन। अब इनका जो टाइम पीरियड था 460 BC टू 444 BC था। अब इन्होंने भी सेम ऐसा किया जैसे अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को मारा था, वैसे उदयन ने भी किसको मार दिया? अजात शत्रु को। जब अजात शत्रु को मारा तो ये राजा बन गए, और इन्होंने आते ही पहले कैपिटल शिफ्ट की, कहाँ को शिफ्ट की? राजगृहा टू पाटलिपुत्र। अब कैपिटल होगी सिर्फ। अब इनका एक आगे बेटा हुआ जिसका नाम था नागादस्क। जब नागादस्क की बात करें तो उसका टाइम पीरियड जो था 444 BC टू 412 BC था। अब नागादस्क किंग बन गए। इन्होंने ना अपने फादर को मारा, बल्कि ये नॉर्मल जो थे किंग बने थे, इनके फादर ने इनको बाद में, हो सकता है उनकी डेथ हुई या बाद में उनको किंग बना दिया हो, लेकिन इनका मंत्री था एक जिसका क्या नाम था? शिशुपाल को एक और नाम से भी जाना जाता, जरासंत। अब शिशुपाल क्या करता है? आके मंत्री था इनका, अब बाद में क्या करेगा? और नागादस्त को हरा के बाद में जो है शिशुनाग डायनेस्टी का फाउंडर बनेगा। अब हम स्टार्ट करेंगे शिशुनाग डायनेस्टी। जब शिशुनाग डायनेस्टी की बात करें तो इसका टाइम पीरियड कितना था? इसका टाइम पीरियड जो आता है वो था 412 BC टू 344 BC। अब हमने इससे पहले जो मकदम पैर में पड़ी थी हरनाइका डायनेस्टी पड़ी थी, और हरनाइका डायनेस्टी में जो लास्ट किंग थे कौन थे? उसमें जो लास्ट किंग आते हैं वो थे नागादस्क, जो नागादस्क का एक मंत्री था जिसका नाम था शिशुपाल। अब शिशुपाल ने अगली डायनेस्टी आए उसको हरा के जो अब शिशुनाग डायनेस्टी आई। जब शिशुनाग डायनेस्टी आई तो इसमें जो पहले किंग बड़े वो बड़े शिशुपाल। जब शिशुपाल की बात करें तो इससे पहले उदयन किंग आया था, उसने कैपिटल ट्रांसफर कर दी थी राजगृह टू पाटलिपुत्र। अब ये क्या करेंगे शिशुपाल? ये आके पहले सबसे पहला काम होगा इनका कैपिटल को शिफ्ट करना। अब ये कैपिटल कहाँ को शिफ्ट करेंगे? अब ये पाटलिपुत्र टू वैशाली करेंगे। अब जो थी कैपिटल चेंज हो चुकी है, शिफ्ट हो चुकी थी वैशाली। अब इसके बाद इनका आगे बेटा आएगा जिसका नाम था काल अशोक का अगला किंग जो बना। इसमें सिर्फ दो ही किंग आए थे, शिशुनाग और इसमें जो है शिशुपाल, और दूसरे काल अशोक का। जब काल अशोक का की बात करें
तो इनके टाइम पीरियड में बुद्धिस्ट की सेकंड काउंसिल हुई थी, और जब सेकंड काउंसिल हुई थी तो कहाँ पे हुई थी, क्या थी अभी कैपिटल, वैशाली। इनकी जो बुद्धिस्ट की जो सेकंड काउंसिल हुई काल अशोका के टाइम पीरियड में हुई, हुई कहाँ पे, वैशाली में। अब इन्होंने इसके बाद क्या कर दिया, और हुई कब थी सेकंड काउंसिल, 383 बीसी में हुई थी। अब इसके बाद इन्होंने क्या किया, जाके जो है कैपिटल को ही शिफ्ट कर दिया, अब वैशाली से कहाँ कर दी इन्होंने, पाटलिपुत्र। अब जो थी कैपिटल पहुंच चुकी है पाटलिपुत्र। अब ऐसा हुआ जो आपकी शिशुनाग डायनेस्टी थी उसको जो है बाद में हराकर जो है एक नंद डायनेस्टी आई, जो मगध एम्पायर था उसमें जो था थर्ड डायनेस्टी थी नंद डायनेस्टी। अब जो इसमें जो किंग बनेंगे वो बनेंगे महापद्मानंद, कौन सी डायनेस्टी आ गई, नंद डायनेस्टी। जब नंद डायनेस्टी की बात करें तो कौन आ गया पहला किंग, महापद्मानंद। और नंद डायनेस्टी का टाइम पीरियड कितना था, 344 बीसी टू 322 बीसी। अब यहाँ किंग बना उसका नाम था महापद्मानंद। जब महापद्मानंद की बात करें तो ये क्या थे, नॉन क्षत्रिय थे, पहले राजा थे जो नॉन क्षत्रिय थे। दूसरा शूद्र क्लेन से बिलोंग करते थे और इनको एकारथ का टाइटल दिया गया था, जो इनको टाइटल मिला था एकारथ, एकारथ। और इसको जो है एम्पायर बिल्डर ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, इनको जो है एम्पायर बिल्डर ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अब इसके बोला जाता है कि इसके आठ बच्चे थे, जब आठ बच्चों की बात करें तो उनमें से जो था इसका जो तेज वाला था लड़का था उसका नाम था धनानंद। अब धनानंद की बात करते, इसके आठ पुत्रों में से एक था धनानंद। जब धनानंद की बात करें तो धनानंद बोला जाता है क्रूर शासक हुआ करता था। अब इसका जो था एक मिनिस्टर था, जब इनके मिनिस्टर की बात की जाए तो कौन थे, चाणक्या। अब चाणक्या की बात करें तो चाणक्या का नाम और भी था, विष्णुगुप्त। और इनको इनके फादर का नाम भी शायद विष्णुगुप्त था, इसलिए इनका नाम भी पड़ गया था उनके नाम पे। और कौटिल्य, और जो चाणक्य थे इन्होंने एक बुक लिखी थी अर्थशास्त्र, इसी के लिए क्या थे ज्यादा फेमस थे। और बाद में ऐसा हुआ कि जो नंद डायनेस्टी के महापद्मानंद थे तो उनकी क्या चलती है, लड़ाई चलती है इनके साथ, चाणक्य के साथ। और चाणक्य ने बोला कि मैं आपसे योग्य शासक ढूंढ के लाऊंगा जो मगध के सिंहासन में बैठेगा। बाद में इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को ढूंढा और उसको बाद में गद्दी पे बिठाया, और उसके बाद जो है धनानंद का अंत करवाया। लेकिन धनानंद उसकी शक्ल के ऊपर वगैरह वगैरह कभी आत्सा वहाँ पे कभी सभा होती थी जैसे राजाओं की, तो इन्होंने इनकी बेइज्जती करके चाणक्य को अपने राज्य से निकाल दिया था। ये था आपका धनानंद। अब इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे अलेक्जेंडर। अब हम स्टार्ट करेंगे अलेक्जेंडर इन्वेजन। अब जो है अलेक्जेंडर जो है इंडिया के ऊपर आक्रमण करेगा। अलेक्जेंडर का टाइम पीरियड कितना था, 356 टू 323 बीसी। अलेक्जेंडर ने सबसे पहले जो जम्मू कश्मीर में एक पोरस किंग होते थे, पोरस किंग पे अटैक किया और उनको हराया, और जो पोरस किंग का एरिया था वो अपने अंडर कैप्चर कर लिया। अब इसके बाद जो अलेक्जेंडर थे वैसे तो मैसिडोनिया के रहने वाले थे, अब मैसिडोनिया के रहने वाले थे जो अलेक्जेंडर थे, इन्होंने एक फेमस बैटल लड़ी थी हाइड्रसपस की, हाइड्रसपस ये जो लड़ी थी इन्होंने 326
बीसी में लड़ी थी, और किस रिवर के ऊपर लड़ी गई थी? झेलम रिवर, जो श्रीनगर जो है झेलम रिवर के ऊपर बसा हुआ है, ये दो श्रीनगर वहाँ पे झेलम रिवर के ऊपर लड़ी थी। और इन्होंने 328 बीसी में खीबर पास को भी जीत लिया था। और ये पहले किंग थे जिन्होंने जो था लार्ज अमाउंट ऑफ एलिफेंट का यूज किया था किसी बैटल में। और इसके बाद बोला जाता है, कई बुकों में लिखा है कि इंडिया में 19 साल रहे थे, कई बुकों में लिखा है कि 19 मंथ रहे थे, और इनकी डेथ जो हुई थी वो 34 ईयर्स में हुई थी। अब इनका आर्मी गवर्नर जनरल हुआ करता था, इसका नाम था सेलिकस निकेटर, जो इसका गवर्नर जनरल था। अब बाद में जो है इसके एरिया को जो संभालने वाला कौन था? सेलिकस निकेटर।